1971 में देवानंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के गाने दम मारो दम को कल्ट गाना माना जा सकता है, लेकिन आनंद बख्शी का लिखा ये गाना लगभग फिल्म से हटा ही दिया गया था। बात उस समय की है जब ये गाना अभी तैयार नहीं हुआ था। आशा भोसले नेपाल में घूम रही थी और एक कैफे में उन्हें एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। करीब जाने पर उन्होंने देखा कि वो आरडी बर्मन थे। मोमेंट्स इन टाइम सीरीज में आशा भोसले बताती हैं, नेपाल के कैफे में आरडी बर्मन कई तरह के स्पूल सुन रहे थे। उन्होंने मुझे भी सुनाया। उनमें कोई गाना नहीं था, कोई बोल नहीं थे, सिर्फ तरह तरह की आवाजें थी। आरडी बर्मन ने वो सारे स्पूल खरीद लिए। एक महीने बाद उन्होंने मुझे एक गाना ऑफर किया। मुझे वो गाना बहुत ही पसंद आया और मैंने उसे रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन दो दिन बाद पंचम ने फोन करके बोला कि ये गाना फिल्म से हटा दिया गया है। ये बात सुनते ही मैं निर्देशक के घर चली गई। मैंने उनसे कहा कि ये गाना बहुत अच्छा है और आप प्लीज इसे मत हटाइए। मैंने बहुत जोर दिया। मेरे बार बार कहने पर वो निर्देशक बोले, आप कह रही हैं तो मैं गाना रख लेता हूँ। वो गाना था दम मारो दम और निर्देशक थे देवानंद। ये गाना दरअसल ऑल इंडिया रेडियो पर बैन हो गया था क्योंकि कई लोगों को लगता था कि इसमें ड्रग्स वगैरह है। बावजूद इसके आशा भोसले का ये गाना हिट बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था। इसने रातों रात जीना तमान को भी स्टार बना दिया। राजीव विजयकर कहते हैं, दम मारो दम आशा जी के टॉप 10 गानों में माना जा सकता है। ये ड्रग एडिक्ट पर फिल्माया गया गाना था। जरूरत थी गाने में एक तरह का नशीलापन हो, थोड़ा सेचुएशन हो। जीना तमान के वेस्टर्न किरदार की आवाज बनने के लिए जिस आवाज की जरूरत थी उसे आशा जी ने सहजता से निभाया। इसके लिए आशा भोसले को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था।